हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड में मैं आपको सिखाने वाला हूँ इंटरनल सीएसएस, फिर स्टाइल टैग और बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं स्टाइल टैग। याद रखना, हम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड में, पिछले एपिसोड में देखा था स्टाइल एट्रीब्यूट, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी यूज़ करने वाले हैं स्टाइल टैग और उसके क्या बेनिफिट्स है वो आपको अभी यहाँ पे पता चलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर ज़रूर फॉलो करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रिलेटेड सब एक्स्ट्रा कंटेंट भी वहाँ पे मैं पोस्ट करता रहता हूँ, ठीक है। तो वो आपको ज़रूर ज़रूर हेल्प करेगा। उसी तरीके से अगर आपने सीएसएस का पहला पार्ट नहीं दिखा है तो आपको ज़रूर ज़रूर देखना है। और अगर आपको एचटीएमएल नहीं आता है तो वो आपको एपिसोड नंबर 1 से देखना है, ठीक है। उसी तरीके से वीएस कोड कैसे इंस्टॉल करते हैं, लाइव सर्वर कैसा है, ठीक है, विंडोज़ कमांड, क्रोम डेवलपर टूल तो खास करके आपको पता होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने अगर पिछले एपिसोड नहीं देखे होंगे तो उसको आपको ज़रूर ज़रूर देखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं इनलाइन सीएसएस और इंटरनल सीएसएस, ठीक है। तो इनलाइन सीएसएस जो हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले एपिसोड में देख लिया था, उसके अंदर हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, तो स्टाइल एट्रीब्यूट, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग सीखने वाले हैं इंटरनल सीएसएस, उसके अंदर हम लोग यूज़ करने वाले हैं स्टाइल टैग। तो चलो प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है आपका वीएस कोड और उसके अंदर एक नई फाइल बना लो, इंटरनल सीएसएस डॉट एचटीएमएल, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, तो हेड के अंदर टाइटल इंटरनल सीएसएस, बॉडी के अंदर H1 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। और फिर से मेरा H1 टैग है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सुडो पावर। फिर से मेरा H1 टैग है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम। और मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ तो आपको प्रॉपर दिखेगा। सेव कर दो। और फ्रेंड्स, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ फिर से इनलाइन सीएसएस, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इनलाइन सीएसएस के अंदर क्या होता है, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट, ठीक है। तो कलर, फिर रेड डैश, फिर मैंने जैसे बोला हम लोग अब और एक प्रॉपर्टी देखने वाले, वो है बैकग्राउंड। तो आप जैसे बैकग्राउंड लिखोगे और कंट्रोल टैब प्रेस करोगे तो यहाँ पे सजेशंस आना चालू हो जाएगा। उसमें से आपको चूज़ करना है बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ येलो, ठीक है फ्रेंड्स। और सेम ही मुझे स्टाइल चाहिए मेरे पेज के सभी H1 टैग को, ठीक है फ्रेंड्स। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, डिज़ाइन मेंटेन करते हैं और हेडिंग होगा तो उसको पूरे वेबसाइट में सेम ही कलर होता है, ठीक है, इसलिए वेबसाइट एट्रैक्टिव लगती है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर तो मैंने पहले कलर लिखा, ठीक है, सेमी कॉलम के बाद तुरंत आप दूसरी सीएसएस की प्रॉपर्टी लिख सकते हो, ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टी में अभी यूज़ कर रहा हूँ बैकग्राउंड कलर, जो क्या करेगा, बैकग्राउंड पे येलो कलर अप्लाई करके दे देगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ भी आप एक ही स्टाइल के अंदर लिख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी मैं इसको सेव करता हूँ, राइट क्लिक करो, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो जो H1 टैग है सब में हम लोगों ने सेमी कलर अप्लाई किया है, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर आप देख सकते हो, बैकग्राउंड कलर से क्या होता है, तो बैकग्राउंड में कलर अप्लाई हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने जो स्टाइल है उसके अंदर कलर रेड और बैकग्राउंड येलो मुझे यहाँ पे भी लिखना पड़ा, यहाँ पे भी लिखना पड़ा और यहाँ पे भी लिखना पड़ा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इससे क्या हो जाता है, कोड रिडंडेंसी, ठीक है फ्रेंड्स। तो कोड रिडंडेंसी क्या है,
तो कोडिंग हम लोग को बार बार लिखनी पड़ रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, तो वो है इंटरनल सीएसएस, ठीक है फ्रेंड्स। तो इंटरनल सीएसएस का यूज़ करके हम लोग को जो स्टाइल है वो एक ही बार लिखना है और वो मल्टीपल जगह पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो कैसे करेंगे, तो वो करेंगे हम लोग यूजिंग स्टाइल टैग, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग इंटरनल सीएसएस। तो जनरली हम लोग जो स्टाइल टैग है वो हम लोग कहाँ पे रखते हैं, तो हेड सेक्शन के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। याद रखना हम लोग उसको कहाँ पे लिखते हैं, हेड सेक्शन के अंदर। वैसे तो आप वेब पेज में कहीं पे भी लिखो वो रन होने ही वाला है, लेकिन एज पर कोडिंग स्टैंडर्ड और जो ब्राउज़र का जो एग्जीक्यूशन होता है वो ऊपर से नीचे जाता है, ठीक है। तो ऊपर से पहले हेड और वो सब एग्जीक्यूट होता है, तो हमारा स्टाइल ऑलरेडी कंपाइल हो जाए तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो स्टाइल एट्रीब्यूट है वो हम लोग हेड सेक्शन के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे फ़िलहाल में जो स्टाइल हम लोगों ने लिखा है उसको मैं सब जगह से निकाल देता हूँ, यहाँ से भी निकाल देता हूँ और यहाँ से भी निकाल देता हूँ। सेव करते हैं, ब्राउज़र के अंदर जाते हैं, तो सिंपल जो डिफ़ॉल्ट कलर है ब्लैक हो गया। अभी एक भी यहाँ पे ना इंटरनल है ना इनलाइन सीएसएस है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इंटरनल सीएसएस। तो फ्रेंड इसके अंदर सबसे पहले आपको टैग का नाम लिखना है, ठीक है, जिसपे हम लोग अप्लाई करने वाले हैं सीएसएस। तो H1 टैग के ऊपर हम लोग को अप्लाई करना है, तो इसलिए H1 लिखो और आपको कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है। और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप जो स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर लिख रहे थे वही आपको इसके अंदर लिखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो लिखो कलर कॉलन रेड और बैकग्राउंड कलर येलो, ठीक है फ्रेंड्स। इसको सेव कर लो। तो फ्रेंड्स अभी क्या होगा, तो H1 को वो देखेगा कि H1 टैग पूरे वेब पेज के अंदर कहाँ है, ठीक है। तो तीन जगह है, तो तीनों जगह वो क्या कर देगा, कलर रेड अप्लाई कर देगा और बैकग्राउंड कलर येलो अप्लाई कर देगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो सेव करते हैं और इसको हम लोग अभी ब्राउज़र में रन करते हैं, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ठीक है, सेम आउटपुट आ रहा है जो हम लोग इनलाइन में कर रहे थे। और अभी हम लोग उसी को हम लोगों ने इम्प्रूव किया और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, तो कोड का जो परफॉर्मेंस है और आप उसका लेवल बढ़ाना भी बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि हम लोग अभी एक ही बार कोडिंग कर रहे हैं और वो मल्टीपल जगह पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ भी हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर ध्यान रखते हैं कि हमारा कोड ज़्यादा बड़े नहीं, ठीक है। हम लोग उसको जितना कम रख सकते हैं, जितना ब्यूटीफुल और अच्छा रीडेबिलिटी रख सकते हैं उतना हम लोग मेंटेन करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इंटरनल सीएसएस का फ़ायदा यही है, हम लोग को क्या करना है, उसको खाली एक ही टाइम लिखना है और वो मल्टीपल जगह पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस फायदे के वजह से हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो इंटरनल सीएसएस और एक टाइप है एक्सटर्नल सीएसएस, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन अभी आपको क्या करना है, तो आपको इंटरनल सीएसएस की प्रैक्टिस करनी है और मैंने जो आपको बता है बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी उसका भी यूज़ करो। और आपको क्या करना है, वेब पेज डिज़ाइन करना है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अंदर मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि वो है इनलाइन सीएसएस का बेनिफिट क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनलाइन सीएसएस का बेनिफिट ऐसा है इस केस में कि इनलाइन सीएसएस को प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो कैसे, तो वो है कलर में यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मैं अभी फ़िलहाल कुछ दूसरा रख देता हूँ, मैं यहाँ पे रख देता हूँ ग्रीन। अभी इसको सेव करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और अभी आप आउटपुट में देखो तो फ्रेंड जो पहला वाला जो है उसका प्रायोरिटी जो है, मतलब उसका कलर जो है वो अभी हो गया है ग्रीन। तो फ्रेंड्स इनलाइन सीएसएस का बेनिफिट ऐसा है कि ब्राउज़र उसको सबसे पहली प्रायोरिटी देगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनलाइन के अंदर जो हम लोगों ने लिखा होगा वो अप्लाई करेगा और
जो इंटरनल वाला जो है उसको वो स्किप कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इनलाइन सीएसएस का बेनिफिट होता है। तो ये कब यूज़ करते हैं, ये हम लोग ऐसे केस में यूज़ करते हैं, लाइक जैसे अभी मेरे वेब पेज के अंदर जितने भी H1 टैग है वहाँ पे मुझे रेड कलर चाहिए, लेकिन ऐसी कोई स्पेसिफिक जगह है वहाँ पे आपको रेड कलर नहीं चाहिए, तो उस केस में हम लोग इनलाइन सीएसएस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिस हिसाब से हम लोग की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम लोग सारे टूल यूज़ करते हैं, इसलिए ये टूल अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि फिर इंटरनल सीएसएस के अंदर ऑलरेडी फीचर है तो हम लोग इनलाइन क्यों यूज़ करते हैं, तो ऐसे केस में हम लोग को इनलाइन यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आपको क्या करना है, फिर कलर प्रॉपर्टी की प्रैक्टिस करो, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी की प्रैक्टिस करो, उसी तरीके से इंटरनल और इनलाइन सीएसएस की आपको प्रैक्टिस करना है और आपका वेब पेज कलरफुल बनाओ। ठीक है, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।